नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि जो आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स और ऑफलाइन एग्जाम्स के बारे में जो चल रहा है यूट्यूब पर या फिर कहीं और भी जगह जो आपको सुनने में आ रहा है, इसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि जो है ना उसकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है आपके ऑफलाइन एग्जाम से या फिर ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर जरूर से कर देना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को भी पता चल सके और आने वाली अपडेट्स भी आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो बच्चों को एग्ज़ाम्स देने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाके एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि अगर उन्हें कोरोना हो गया तो काफ़ी आगे जाके दिक्कत हो सकती है उन्हें फ्यूचर में। तो इससे रिलेटेड आजकल आपको ये भी पता है कि ऑन डिमांड के एग्ज़ाम्स वैसे ही चल रहे हैं ना उसकी तरफ से, जो कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे लिए जा रहे हैं। तो जो बच्चे ऑन डिमांड के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो उनको मैं कहूँगा कि आप सेफ्टी से जाएँ और जो एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं वो काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ चल रहे हैं, तो अपना एग्ज़ाम्स ज़रूर से दे कर आएँ। और साथ में जिनका एग्ज़ाम्स जून में होने वाला है, जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो, तो वो अपना सपोर्ट जाके ट्विटर पे दिखा सकते हैं कि उनका एग्ज़ाम्स जो है ऑनलाइन लिया जाए। ट्विटर पे जाकर अपने NOS को टैग करके आप बता सकते हैं कि उनका एग्ज़ाम्स जो है ऑनलाइन लिया जाए। जैसे कि बता देना चाहता हूँ, जो NOS की तरफ से ऑफलाइन एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं और कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है NOS की तरफ से ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, तो जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। काफ़ी देर तक एक जगह बैठे रहना और ट्रैवल करना इधर से उधर ऐसे कोरोना के केसेस में और ऐसे टाइम पर, तो उनको काफ़ी परेशानी आ सकती है। और जैसे कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिकली वीकर हो सकते हैं, तो उनको भी जो NOS की तरफ से इन्फॉर्मेशन ये कुछ वेबसाइट्स पर चल रही है कि उनको प्रमोट कर देना चाहिए और बिना किसी दिक्कत के, और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं ना उसकी उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो प्रमोट हो सके आसानी से। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं कि उनको अगर वो 3 घंटे तक मास्क पहन के रखेंगे, एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, तो उनको काफ़ी सारी तरीके की एनजाइटी और डिस्ट्रेसेस और काफ़ी सारी तरीके की उन्हें परेशानी हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए NOS को करना चाहिए कि उन सबको प्रमोट कर देना चाहिए और एक जगह पे मास्क पहन के 3 से 3.5 घंटे बैठे रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए NOS को ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स की तरफ पहुँचा रहे हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन NOS को देखनी चाहिए ताकि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं कम से कम उनके लिए तो हेल्प कर सके। और साथ में जो NOS की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे भी आती है आपके ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड या ऑफलाइन एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके जून में होने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं ज़रूर से पहुँचाऊँगा। तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना और साथ में इस वीडियो को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो काफ़ी मैंडेटरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी ऑन डिमांड का उनके लिए। साथ में जो जून के एग्ज़ाम्स होंगे उनकी सारी जो डेट शीट आने वाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको अपडेट करूंगा। जो भी जून 2021 के एग्जाम्स की जो डेट शीट आएगी या फिर जो भी नोटिफिकेशन NOS की तरफ से आती है वो सारी मैं आपको पहुंचाता रहूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम्स लेने हैं या फिर ऑनलाइन एग्जाम्स देने हैं NOS की तरफ से, तो आपको NOS के लिए ट्वीट करना होगा। ट्विटर पर जाकर आप ट्वीट कर सकते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जाकर वहाँ पर सपोर्ट दिखा रहे हैं, आप भी जाकर सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो जाइए और ट्वीट करिए आपको लगता है कि आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल पर बने रहना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।